मुखर संवाद के खबर का असर दिखने लगा है। आज राजधानी रांची में लॉकडाउन के दौर में रांची वासियों के साथ सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह को कहीं ना देखे जाने की खबर का असर देखने को मिला है। मुखर संवाद ने यह खबर दिखाई थी कि सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह कोरोना संक्रमण के दौर में डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दुख की इस घड़ी में रांची की जनता अपने सांसद और विधायक को दिया जलाकर खोज रही है। इस खबर पर सांसद संजय सेठ ने पहल करते हुए अपने घर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के लिए राशन का वितरण करवाया है। रांची के सांसद संजय सेठ जी के पास जो सूची है, चूँकि वो लॉकडाउन में वहाँ फंसे हुए हैं, तो वो सूची हम लोगों को हमारे कोरोना वॉरियर मंतोष सिंह जी हैं, प्रखंड के यहाँ के मंडल के अध्यक्ष सुभेश पांडे जी हैं, मीडिया प्रभारी संजय जी, इन लोगों के माध्यम से हम लोगों के पास आती है और हम लोग एक टीम बना के उनको सोशल डिस्टेंसिंग रख कर और प्रॉपर तरीके से कच्चा राशन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। और हमारी कोरोना वॉरियर्स की टीम पूरे रांची में, राजधानी में हर कोने कोने में सक्रिय है। देखिए, ऐसा है कि आप लोग लगता है कहीं कुछ गलतफहमी में है। जनता के, देखिए, ये बीमारी ऐसा है कि जनता के बीच में डायरेक्ट शरीर से संपर्क में नहीं रहना है, शरीर टू शरीर, सामना सामनी। देखेंगे कि रांची के माननीय सांसद, हमारे विधायक सीपी सिंह, हमारे विधायक नवीन जायसवाल, इस महामारी में यही लोग तो चेहरा पूरे रांची में दिख रहे हैं। इन आज आप देखेंगे रांची में चारों तरफ जिस तरह के जनता के बीच में सहयोग जा रहा है, माननीय संजय सेठ, माननीय नवीन जायसवाल, सीपी सिंह के निर्देशानुसार लगातार आज 15 दिन से डेली, माने एक अलग संस्था का ललित जी और हम लोग, माने 100-150 आदमी का डेली हम लोग अभी सूखा अनाज दे रहे हैं, जिसमें चावल है, दाल है, आटा है, तेल है, प्याज है, आलू है। तो इस तरह हम लोग लगातार डेली 100-150 आदमी को दे रहे हैं। इन्हीं लोग का निर्देश है, इन लोग हम लोग को निर्देश देते हैं, क्योंकि देखिए वो हमारे नेता हैं, वो गली गली हर जगह नहीं ना पहुँचेंगे, वॉलंटियर ही पहुँचता है। तो फिलहाल सांसद संजय सेठ लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे हुए हैं। संजय सेठ ने अपने घर पर राशन का वितरण कराने का निर्देश भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया है। भाजपा के कार्यकर्ता अपनी पार्टी और अपने सांसद और विधायक की बड़ाई करते नहीं थकते, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का दावा सांसद संजय सेठ के घर के सामने ही झूठा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। अब आप खुद ही सुनिए कि किस तरह से ये महिलाएँ कह रही हैं कि आज से ही सांसद के घर पर राशन का वितरण शुरू हुआ है, जबकि भाजपा के नेता पहले से ही राशन वितरण का दावा कर रहे हैं। इन महिलाओं की जुबानी आप खुद ही सुनिए और फैसला कीजिए कि मुखर संवाद की ओर से प्रसारित इस खबर में कितनी सत्यता है। यह तो आज से स्टार्ट हुआ है, आज से शुरू हुआ है, यहाँ सांसद महोदय के यहाँ आज से शुरू हो रहा है। आज से हो रहा है, हम लोग 3-4 दिन से खाना नहीं हम लोग का घर में बना है, जब भैया फोन किए तब हम लोग आए। कब से मिल रहे हो यहाँ पे? यहाँ तो हम आज ही से राशन उठाए हैं, इससे पहले नहीं मिल रहा था। इसके पहले यहाँ से हम नहीं ले गए हैं, पहले हम मुझे हमारे की तरफ से ले गए हैं और डोली में सारे दूर से उठवाए हैं। तो कौन बताए कि यहाँ आज मिल रहा है? वही डोली में सबको बताए, डोली में से बताए कि नहीं है राशन, चलिए हम ले जा रहे हैं, तो हम लोग आए हैं। सुना आपने, राशन लेने गई महिलाओं ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। मुखर संवाद गरीबों के लिए संकट के इस दौर में सांसद संजय सेठ के राशन वितरण शुरू करने की प्रशंसा करता है, लेकिन यह भी अपेक्षा करता है कि यह काम पहले से ही हो जाना चाहिए था। लेकिन इतना होने के बावजूद राजधानी रांची के विधायक सीपी सिंह की ओर से कोई कदम नहीं उठाना निश्चित रूप से चिंताजनक है। सीपी सिंह का इस कदर रांची की जनता से मुंह मोड़ना संकट के इस दौर में लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि रांची की जनता ने सीपी सिंह को अपने दुख सुख में खड़ा होने के लिए चुना है, ना कि संकट के इस दौर में घर में दुबक कर रहने के लिए। मुखर संवाद के लिए विशु विशाल की रिपोर्ट। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPM, साई टावर 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची।